चलिए दोस्तों, नदियों के क्रम में जो आज की जो मुख्य नदी का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो स्वर्ण रेखा नाम की नदी है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, जिस कारण से इसको विशेष नाम दिया गया है, स्वर्ण रेखा नदी नाम दिया गया है। अब चलिए, इस नदी की जो मुख्य सहायक है, किन किन राज्यों से होकर के बहती है, क्या क्या कौन कौन से बांध है, जलप्रपात है, तो नदी देखिएगा जो रांची का जो पठारी क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर पठार का भाग है, रांची के पठारी क्षेत्र में एक चुआ नाम का स्थान है, उसे विशेष चुआ यानी कि रानी का चुआ, रानी चुआ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, ये उद्गम का क्षेत्र है। तो ये रानी का चुआ रांची के पठारी क्षेत्र से ये जो नदी निकल रही है वो स्वर्ण रेखा नाम की नदी है। ये स्वर्ण रेखा नाम की नदी है जो रांची के पठारी क्षेत्र में अवस्थित रानी का चुआ नामक स्थान से उसका उद्गम होता है। और रांची के पठारी क्षेत्र से बहती हुई और आगे जाकर के पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा में जो बालासोर नाम का जिला है, बालासोर उड़ीसा का जिला है, बालासोर नाम के जिले में और ये बंगाल की खाड़ी में, ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वतंत्र रूप से, इम्पोर्टेंट है ये, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, मतलब किसी की सहायक नदी नहीं है, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो उद्गम होकर के जो झारखंड है और पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा का बालासोर जिला है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी है, स्वर्ण रेखा नाम की नदी है। अब इसकी सहायक देख लेते हैं, जो पश्चिम से आकर के इसमें मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, एक नदी का नाम है रारू नाम की नदी है, ये दामोदर में मिल जाती है, कांची नाम की नदी है जो दामोदर में मिलती है, करकरी नाम की नदी है। और ऐसा माना जाता है क्योंकि यह नदी खनिज संसाधन, जो भारत में सर्वाधिक जो धनी क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र उसका भाग है, रांची का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, जहां धारवाड़ कोंडप्पा और जो अग्नि चट्टानों का क्षेत्र है। तो ये कहा जाता है कि सोने के कण पाए जाते हैं, ये जो करकरी नाम की नदी है इससे होकर के इसमें सोने के कण करकरी नदी के द्वारा दामोदर नदी और उसमें स्वर्ण रेखा नदी में डाल दिए जाते हैं। तो करकरी नाम की नदी है, उसके बाद जो अगली नदी है खार कई नाम की नदी है, और लास्ट में जो अंतिम जो इस क्षेत्र से होकर के पश्चिम से होकर के जाने वाली नदी है, मिलने वाली सहायक नदी है, संकिंद नाम की नदी है। अब आइएगा, तो इस क्षेत्र से उत्तर से आकर के मिलने वाली एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा की सहायक है, जिसका नाम है दुलंग। ये दुलंग नाम की नदी ये उत्तर से आकर के स्वर्ण रेखा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो ये जो मुख्य सहायक नदियां आपको स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदियां आपको दिखाई गई हैं। स्वर्ण रेखा नदी के जो तट पर एक शहर है, मोरी नाम का एक शहर है, यहाँ पर एक मोरी नाम का एक शहर मिलेगा और भी आगे शहर मिलेंगे। अब उसके डाटा के बारे में देख लेते हैं, जो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में प्रमुख सहायक नदी आपको दिखाती है। अब देखिएगा, नदी की जो लंबाई है वो 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 474 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा इन तीन राज्यों से बहती है और दो राज्यों की कुछ हद तक कुछ दूरी तक सीमा रेखा भी बनाती है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच स्वर्ण रेखा सीमा बनाती हुई उड़ीसा में बहती हुई स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके तट पर जो मुख्य शहर बसे हैं वो रांची है, मुख्य तट पर नहीं थोड़ी सी दूरी पर है रांची, जमशेदपुर को एक विशेष नाम दिया जाता है, टाटा नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित शहर है।
रांची हो गया, जमशेदपुर या टाटानगर हो गया, और घाटशिला जो क्षेत्र है जो तांबा उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये मुख्य शहर इस नदी के तट पर अवस्थित हैं। और स्वर्णरेखा नदी पर जो एक मुख्य बांध बनाया गया है, मुख्य बांध वो चांदल नाम का बांध है, तो ये मुख्य बांध है। अन्य बांध भी बनाए गए हैं जो मैं आपको यहाँ लिस्ट में आपको दे दिए हैं। अन्य बांधों में चांदेल जो बांध है वो मुख्य बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। इसके अलावा अन्य बांध भी बनाए गए हैं स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदियों के तट पर, जो राय बांध है और रायपुर बांध है, तो ये छोटा और बड़ा दो बांध बनाए गए हैं। छोटा रायपुर बांध भी है और बड़ा रायपुर भी, यानी कि राय बांध भी है। उसके अलावा मामा बांध बनाया गया है, गिरवाई बांध बनाया गया है, बीरपुर बांध बनाया गया है और हनुमान बांध बनाया गया है। तो जो मुख्य बांध तो चांदल है, उसके अलावा ये अन्य बांध भी दाम स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदियों के तट पर या सहायक नदियों पर बनाए गए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, वो जो ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है, वो जलप्रपात या वाटरफॉल, जो जलप्रपात है या वाटरफॉल या फॉल्स है या झरना है, वो इस नदी और इसकी सहायक नदियों पर बना अवस्थित है प्राकृतिक रूप से। तो जो दशम जलप्रपात, जौना जलप्रपात, ये जौनों जलप्रपात है जो कांची नाम की नदी है, ये जो कांची नाम की नदी है इस पर ये दोनों जलप्रपात अवस्थित हैं। दशम जलप्रपात और जौना जलप्रपात कांची नाम की जो नदी है इस पर अवस्थित हैं। इसके अलावा अन्य जो हुंडारू जलप्रपात, सीता जलप्रपात, हिरणी जलप्रपात, पंचघाट जलप्रपात, ये जो सभी बांध बनाए या जो सभी जलप्रपात अवस्थित हैं, ये स्वर्णरेखा नदी पर ही हैं। तो ये जो छह जलप्रपात हैं, जो स्वर्णरेखा नदी की शोभा बढ़ाते हैं या जो पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, ये छह जलप्रपात हैं, जिनमें से ऊपर वाले जो दो हैं वो कांची और बाकी के स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित जलप्रपात हैं, झरना है, वाटरफॉल है। तो ये जो स्वर्णरेखा नदी का जो आज आपको डायग्राम दिया गया है, स्वर्णरेखा मुख्य नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं। ये डाटा कुछ दिए गए हैं, ये बांध बनाए गए हैं और ये मुख्य जलप्रपात इस नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो जो जलप्रपात हैं, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना रहती है। तो ये जो स्वर्णरेखा नदी के बारे में आज आपको वीडियो दिया गया है, इसी क्रम में आगे भी आपको वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय।